Welcome to Borail News. Amur Falcon started arriving at New Tumbong village in Umrangso. Since Amur Falcon birds have started arriving at New Tumbong village in Umrangso, hundreds of bird lovers from various parts of the state have started thronging New Tumbong village, and tourists are also seen camping at the golf course. Amur falcons, Falco amurensis, the longest traveling migratory birds that roost in large flocks during the last week of October and in November every year. Earlier, due to lack of awareness, these migratory birds were killed for sport, fun, and its meat. The killing stopped after awareness campaigns were launched by the Forest Department, NGOs, and social activists on providing safe passage to the migratory birds. The Forest Department has deployed its staff in the roosting area for round-the-clock vigil to provide safety to the birds. रंजर साहब, ये जो फेल्कोन आमूर फेल्कोन जो आता है, ये इस साल कब से आना शुरू हुआ? अक्टूबर महीने का फर्स्ट वीक से आया। अक्टूबर महीने का फर्स्ट वीक से ना। यहाँ पे कितना महीना बैठता है वो लोग? दो महीना बैठता है ना। अच्छा, और 144 जो CRP से जो लगाया है, उसका वजह से आपको कुछ सुविधा हुआ कि नहीं? जो पहले जो आदमी लोग आता था, मारता था, अभी मारता कि नहीं, हंटिंग करता कि नहीं? और आप लोग को जो आप लोग रात भर यहाँ पे ड्यूटी करते हैं, आप लोग को कुछ दिक्कत हो रहा है कि? कुछ दिक्कत नहीं है अभी। आप लोग खुशी है ना? खुशी है। अच्छा अच्छा, और अमूल फेल्कोन के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? वो लोग कहाँ से आते हैं यहाँ पे? जो ये हम लोग को इतना तो मालूम नहीं, क्यों सुनने में आ रहा है साइबेरिया से आता है वो लोग? ऑस्ट्रेलिया, साइबेरिया, नॉर्दर्न चाइना से आ रहा है। अच्छा अच्छा, और अब टूरिस्ट लोग के बारे में क्या, टूरिस्ट लोग को क्या बोलना चाहेंगे आपका तरफ से मैसेज, एक लोकल रेंजर होने के हिसाब से? हम लोग तो मदद करेगा, टूरिस्ट जो आएगा तब तो जितना तक सकता मदद करेगा, जो जो हम लोग भी गाइड करेगा। अच्छा, उसको दिखलाएगा, हम लोग खुशी है वो लोग आने से। को गंदा नहीं करने से हो गया। आप मतलब गंदा नहीं करने के लिए मैसेज दे रहे हैं, वो बात अच्छा है। ये जो अमूर फेल्कोन आता है, आपको पता है वो लोग कहाँ से आ रहे हैं? आता है ऑस्ट्रेलिया। ये जो अमूर फेल्कोन आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? साइबेरिया से जो आता है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे कितना दिन बैठता है वो? ये दो महीना रहता है। दो महीना बैठता है ना। इस साल कब से आना शुरू हुआ? अक्टूबर फर्स्ट वीक से रहता है। अच्छा अच्छा, और आप ऐसे लोकल एक फॉरेस्ट स्टाफ होने के वजह से आप मतलब कि लोकल पब्लिक को क्या बोलना चाहेंगे, टूरिस्ट को क्या बोलना चाहेंगे, जो टूरिस्ट लोग आके देखते ही है? इधर आने से बहुत अच्छा लगता है, ये सब भी आई है टूरिस्ट लोग ना, ये देखे ये ना, इधर में फेल्कोन है, फेल्कोन है इधर में, तो अभी भी एकदम फेस्टिवल होगा 1920 को, सब भी आई है, लेकिन इधर में गंदा वंदा नहीं करने से हो गया वो हमारा सोचे, और जो कुछ होगा तो हम लोग पुलिस वाला भी गाइड करेगा, सब कुछ देखेगा, कुछ होगा तो हम लोग रेंजर सर है, हम लोग को भी मैंने ये बोलिए उससे हम लोग सपोर्ट करेगा। आप लोग जो रात रात भर इन लोग को प्रोटेक्ट करते हैं, आप लोग को इस बार ड्यूटी में खुशी है कि आप लोग को खुशी मिलता है कि नहीं? खुशी है, हम लोग भी अच्छा लगता है देखने में, बहुत अच्छा है यहाँ था, क्योंकि आने में भी अच्छा लगता है, सब आदमी भी आ रहा है देखने के लिए, बाहर से भी आ रहा है, बहुत अच्छा लगता। Amur falcon, a small raptor of the falcon family, breeds in southeastern Siberia and northern China and migrates in large flocks in winter across India and over the Arabian Sea to South Africa. These migratory birds from Siberia and China stop at Umrangso during their annual journey to South Africa. The males are dark grey with reddish-brown thighs and undertail covers, reddish-orange eye ring and feet. Females are duller above with dark scaly markings on white underparts and orange eye ring and legs.
Only a pale wash of rufous is visible on their thighs and under tail coverts. Their diet mainly comprises insects such as termites, etc. During their migratory period over the sea, they are believed to feed on migrating. Reporting by Kanchan Das and Steve Marborail News from Umrangso.